बालको नगर के कमलनी नर्सरी स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। नन्हे मुन्नों ने गीत, नृत्य, संगीत और प्रहसनों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। आकर्षक परिधानों में सजे बच्चों के कार्यक्रमों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कमलिनी नर्सरी स्कूल के वार्षिक उत्सव का उद्घाटन बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता बैद ने किया। नन्हे मुन्नों ने पुष्प गुच्छ से श्रीमती बैद व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। कमलिनी नर्सरी स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सुमित्रा बाबू ने अपने स्वागत भाषण में स्कूल के शैक्षणिक उपलब्धियों से नागरिकों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कमलिनी नर्सरी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, इससे बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती बैद ने इस बात पर खुशी जताई कि कमलिनी स्कूल में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि नृत्य गीत, संगीत, नाटक और ड्राइंग पेंटिंग की कक्षाएं भी होती हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाना सराहनीय कार्य है। उन्होंने स्कूल की निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं दी। कमलिनी स्कूल न केवल बच्चों को किताबी शिक्षा ही देती है, बल्कि अभी तो तकनीकी माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। कमलिनी स्कूल में केवल बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती, उनके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साल में एक बार पिकनिक आयोजित की जाती है, उनमें देश प्रेम की भावना के लिए गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और बाल दिवस भी मनाया जाता है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। मैं फिर आप सभी का अभिवादन करती हूँ और शुभकामना देती हूँ कि कमलिनी स्कूल निरंतर प्रगति की ओर बढ़ती रहे। धन्यवाद। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्कूल प्रबंधन की ओर से श्रीमती बैद ने पुरस्कृत किया। वार्षिक उत्सव में बच्चों द्वारा प्रस्तुत इंद्रधनुषी कार्यक्रमों की छटा देखते ही बनती थी। गीत, संगीत, नृत्य और प्रहसनों के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ।
कमलिनी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मौजूद बालको स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने नन्हे मुन्नों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम दिया है, आजा आजा, कि उसे देख के जो खुशी हुई उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। हमारे अपने कॉलोनी के अंदर अभी तक हमने सिर्फ नेहरू उद्यान देखा था और कोई गार्डन नहीं था, लेकिन आज पहली बार मौका मिला जब आके मैंने नन्हे मुन्ने फूलों को यहाँ लाइव परफॉर्मेंस करते देखा और बहुत ही अच्छा लगा। और आज ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे बालको परिवार के जो टीचर्स हैं और जो यहाँ की मैनेजिंग कमेटी, खासतौर से मिसेस बैद, मिसेस बाबू, इन सब के नेतृत्व के नीचे ये स्कूल में बच्चों का इतना अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है, उन्हें इतनी अच्छी प्रतिभाएं सिखाई जा रही हैं कि आने वाले समय में ये बच्चे जो हैं बहुत ही अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और बालको का भी नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी तरफ से उन सब बच्चों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और इस सब के लिए सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं वो उनकी टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी इतने दिनों की कि आज का ये प्रोग्राम इतना अच्छा हो सका। मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन बच्चों को पुरस्कार मिलने जा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग अभी तक ये गर्व महसूस करते थे कि हम बालको में विश्व स्तरीय एल्यूमिनियम बना लेंगे, विश्व स्तरीय एल्यूमिनियम बनाते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि हम बालको में विश्व स्तरीय नागरिक जो है इस स्कूल में उनका मार्गदर्शन करके उनको हम बनाते हैं। बच्चों के लिए शानदार फैंसी ड्रेस स्पर्धा भी हुई जिसमें नन्हे मुन्नों ने अपने परिधानों और प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। स्पर्धा में भाग लेने वाले बच्चे पुरस्कृत भी किए गए। मैं अपने प्राण दे दूंगी लेकिन पार्टी को नुकसान होने नहीं दूंगी। सभी बच्चों को दिया जाएगा लेकिन फर्स्ट सेकेंड विवेकानंद कृष्णेंदु कर्व का फर्स्ट
दे।